टीए आर्मी रैली भर्ती 2020। नमस्कार दोस्तों, टीए आर्मी में भर्ती होने वाले लाखों अभ्यर्थियों के लिए एक बार फिर से यहां पर बड़ी और अच्छी खुशखबरी आ चुकी है। लंबे समय से इंतजार हो रहा था कि आखिर टीए आर्मी की रैली भर्ती कब तक होगी। दोस्तों, इसको लेकर एक नया रैली शेड्यूल आपका जारी कर दिया गया है टीए आर्मी के द्वारा। उसके बारे में सारी डिटेल आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले कि कौन कौन से राज्यों की रैली भर्ती कब कब होने वाली है। साथ ही इस बार की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज क्राइटेरिया और हाइट में क्या क्या बड़े बदलाव है वो टीए आर्मी की तरफ से किए गए। दोस्तों, इससे रिलेटेड सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएं। उससे पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो, टीए आर्मी की आगे आने वाली हर प्रकार की रिक्रूटमेंट रैली की अपडेट पाना चाहते हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलो दोस्तों, देख के सारी जानकारी उससे पहले अभी तक आपने जिस राज्य से बिलोंग करते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बता दीजिएगा ताकि आपके राज्य की भी कोई भी टीआरएमी की नई रिक्रूटमेंट रैली आयोजित की जाए तो उसकी जानकारी भी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो चलो दोस्तों, देखते हैं सारी जानकारी। तो दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हो टीए आर्मी की जो रिक्रूटमेंट रैली करवाई जाती है दोस्तों, वो जोन वाइज आपकी रिक्रूटमेंट रैली आयोजित होती है। तो यहां पर सबसे पहले हम डिटेल से बात करेंगे कि कौन से जोन में कौन कौन से राज्यों को यहां पर शामिल किया जाता है। तो यहां पर आप जल्दी से देख लीजिएगा आप कौन से जोन में शामिल होते हो। दोस्तों, सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हो टेरिटोरियल आर्मी टीए रिक्रूटमेंट जोन फर्स्ट। तो जोन फर्स्ट में आपके कौन कौन से राज्य शामिल किए जाते हैं? तो जोन फर्स्ट में आपके हरियाणा है, हरियाणा के साथ में आपका हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब और पंजाब के साथ में, और जो आपके यूनियन टेरिटरी है, जो केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली और चंडीगढ़ के जो कैंडिडेट है उनको यहाँ पर जोन फर्स्ट में शामिल किया जाता है। वही यहाँ पर बात करें दोस्तों जोन सेकंड की, तो जोन सेकंड में आपके शामिल किए जाते आपके बिहार है, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थी है वो यहाँ पर जोन सेकंड में शामिल किए जाते। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं डिटेल से, क्योंकि जो आपकी वैकेंसी वो कितनी कितनी और कौन कौन से सेंटरों में कौन कौन से यूनिट्स में आपकी वैकेंसी आने वाली है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें तो 102वीं जो इन्फेंट्री टीए की पंजाब रेजिमेंट की जो भर्ती है उसमें आपके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो यहाँ पर 65 होने वाली है, जिसमें यहाँ पर आपके अलग अलग वैकेंसी होगी। सोल्जर जीडी के लिए 51 वैकेंसी है, हाउस कीपर के लिए एक वैकेंसी और चीफ यहाँ पर जो आपके एसके के साथ में क्लर्क है उनकी यहाँ पर 7 वैकेंसी आएगी। उसके साथ में 103वीं जो इन्फेंट्री बटालियन है टीए की सिख लाई, उसमें आपके नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 68 है और ये आपकी भर्ती होगी। इसका वेन्यू है वो यहाँ पर लुधियाना में रखा गया है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बात करें तो 104वीं जो इंजीनियरिंग रेजिमेंट है उसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 68 है, जो सोल्जर जीडी की होगी और ये आपकी भर्ती रैली है, ये आपके अखनूर है, जम्मू कश्मीर में करवाई जाएगी। वही नेक्स्ट बात करें 175वीं इंजीनियरिंग बटालियन की, तो इसमें आपके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें जिसमें सोल्जर जीडी की 102 वैकेंसी है, जबकि कलरक की यहाँ पर 5 वैकेंसीज है और सोल्जर एसकेटी की यहाँ पर 4 वैकेंसी और कुल मिलाकर 111 वैकेंसी आपकी रहने वाली है। दोस्तों ये भी भर्ती आपके अखनूर है, जम्मू कश्मीर में होने वाली है, जबकि 173वीं इंजीनियरिंग टीए की भर्ती है वो यहाँ पर आपके होगी जो पंजाब है जम्मू कश्मीर में, वहीं पर आपकी रैली भर्ती होगी जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो आपकी 77 होने वाली है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपके राजरीप सेंटर है दिल्ली कैंट में, वहाँ पर भी आपके टीए आर्मी की एक बड़ी बम्पर भर्ती होने वाली है जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो आपकी 62 है, जिसमें सोल्जर जीडी की 58 वैकेंसी है, जबकि यहाँ पर कलर की 2 वैकेंसी है और हाउस कीपर की 1 वैकेंसी है, जबकि चीफ कम्युनिस्ट की 1 और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो यहाँ पर 62 है। आपकी रैली भर्ती दोस्तों ये होगी दिल्ली कैंट में। नेक्स्ट बात करें तो 124वीं इन्फेंट्री बटालियन है जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 65 है और ये भर्ती भी आपके दिल्ली कैंट में होने वाली है। दोस्तों यहां पर बात करें 150वीं इन्फेंट्री बटालियन है पंजाब रेजिमेंट है, इसमें टोटल 58 वैकेंसी होगी और ये आपकी भर्ती होगी पालमपुर हिमाचल प्रदेश में। वही नेक्स्ट बात करें तो 152वीं जो बटालियन है सिख रेजिमेंट की, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 33 है और आपकी रैली भर्ती होगी ये होगी लुधियाना में। वही दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि जो अलग अलग जोन नंबर 3 और जोन नंबर 4 में कौन कौन से अभ्यर्थी भाग लेंगे। दोस्तों ये जो भी मैंने आपको भर्ती बताई है ये जोन फर्स्ट की है, तो आपको पता होना जरूरी है कि अब मैं कौन से जोन में आता हूँ। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर जोन सेकेंड की, जिनमें आपके बिहार के साथ में मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और झारखंड और चंडीगढ़ के अभ्यर्थी है इस रैली भर्ती में भाग ले सकते हैं। तो यहाँ पर वैकेंसी की बात करें तो 191वीं जो बटालियन है टीए जाट रेजिमेंट की, जिनमें आपके 116 वैकेंसी सोल्जर जीडी की होगी और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 127 होगी और आपकी रैली भर्ती है वो रांची झारखंड में करवाई जाएगी। वही 108वीं इन्फेंट्री टीए की है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जीडी की 14 है, जबकि यहाँ पर वैकेंसी आपकी होगी वो होगी यहाँ पर भर्ती रांची झारखंड में। वही 114वीं इन्फेंट्री बटालियन है टीए की जाट रेजिमेंट, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो यहाँ पर आपके 69 होगी
और ये आपकी भर्ती होगी फतेहगढ़ यूपी में। वही दोस्तों नेक्स्ट बात करें तो 108वीं इन्फेंट्री बटालियन टीए की जो महा रेजिमेंट में होगी, जिनमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 15 है और ये आपकी भर्ती है ये फतेहगढ़ यूपी में करवाई जाएगी। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें 120वीं इन्फेंट्री है जो टीए बिहार की भर्ती होगी, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है जो 75 वैकेंसी है, जिसमें आपके सोल्जर जीडी के साथ में आपके क्लर्क है, वाशरमैन और हेड ड्रेसर की यहाँ पर वैकेंसी होने वाली है। दोस्तों ये रैली भर्ती आपकी होगी, ये भुवनेश्वर में रैली भर्ती होने वाली है। वही नेक्स्ट बात करें तो 155वीं इन्फेंट्री बटालियन है टीए की, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 115 है और भर्ती आपकी होगी जबलपुर में। दोस्तों ये सारी भर्ती जो मैं आपको बता रहा हूँ ये जोन सेकंड के, केवल जोन सेकंड के अभ्यर्थी इस भर्ती में भाग ले सकते हैं। वही नेक्स्ट है 153वीं इन्फेंट्री बटालियन डोगरा रेजिमेंट में, जिसकी भर्ती होगी वो आपके फैजाबाद में होगी, जिसमें टोटल 111 वैकेंसी रखी गई है। वही 111वीं इन्फेंट्री कुमाऊं रेजिमेंट की बात करें तो इसमें 83 वैकेंसी है और भर्ती होगी आपकी पिथौरागढ़ में। दोस्तों मैं जितनी भी आपको ये भर्तियां बता रहा हूँ उसकी डेट अभी कंफर्म नहीं हुई, क्योंकि अभी कोविड चल रहा है और कोविड के कारण सभी भर्तियों को यहाँ पर पोस्टपोन कर दिया गया, लेकिन ये भर्ती प्रक्रिया आपकी जल्दी होने वाली है। हो सकता है दोस्तों ये वैकेंसी आपकी दिसंबर तक आ भी जाए, तो आप अच्छी मेहनत करें ताकि इस बार आपका टीए में भर्ती होने का सपना पूरा हो जाए। दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर आप बात करें जोन थर्ड की, तो जोन थर्ड में यहाँ पर आपके असम है, मेघालय है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, नागालैंड, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अभ्यर्थी इस रैली भर्ती में भाग ले सकते हैं। दोस्तों जोन थर्ड में ज़्यादातर वही कैंडिडेट भाग लेते हैं जो नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर आपको हाइट में भी भारी छूट मिल जाती है, इससे यहाँ पर आपको ज़्यादा फायदा हो जाता है। यहाँ पर अगर बात करें तो 154वीं जो इन्फेंट्री टीए की है बिहार रेजिमेंट, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 132 रखी गई है और आपकी भर्ती होगी वो होगी पोर्ट बलेर में। वही दोस्तों नेक्स्ट बात करें तो 113वीं जो इन्फेंट्री बटालियन है राजपूत रेजिमेंट की, उसमें यहाँ पर भर्ती होगी, जिसमें टोटल वैकेंसी है सोल्जर जीडी की 66 है, जबकि यहाँ पर एक एक वैकेंसी आपके कलरक और हाउसकीपर भी आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों ये आपकी भर्ती होगी ये तेजपुर असम में होने वाली है। दोस्तों नेक्स्ट बात करें तो 119वीं इन्फेंट्री बटालियन है असम रेजिमेंट, दोस्तों इसमें टोटल वैकेंसी आपके 35 है और ये भर्ती होगी आपके टकुरुबेरी असम में। वही दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो नेक्स्ट आपकी 165वीं इन्फेंट्री बटालियन टीए असम है, जिसमें टोटल वैकेंसी आपके 49 है और ये भर्ती होगी मणिपुर एरिया की भर्ती होगी और भर्ती आपकी असम में होगी। वही दोस्तों नेक्स्ट बात करें तो 119वीं इन्फेंट्री बटालियन असम है, जिसमें टोटल वैकेंसी आपकी 35 है और ये भर्ती भी आपके मणिपुर में आयोजित की जाने वाली है। वही दोस्तों 107वीं इन्फेंट्री बटालियन है टीए की जो 11वीं ग्रेनेडियर की ये भर्ती होगी, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 27 है और यहाँ पर जलपहाड़ दार्जिलिंग में आपकी भर्ती आयोजित होने वाली है। दोस्तों ये सारी वैकेंसीज है जोन थर्ड की है। अब बात करते हैं जोन फोर्थ की। दोस्तों जोन फोर्थ काफ़ी लंबा चौड़ा है और इसमें युवा भर्ती होने वाले युवाओं की संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे कौन कौन से स्टेट यहाँ पर शामिल होने वाले हैं, तो आपके आंध्र प्रदेश, आपका गुजरात है, केरला है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटका और यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश से दादर नगर हवेली, गोवा, दमन दीव और लक्षद्वीप और पांडिचेरी के भर्ती है वो जोन फोर्थ में शामिल किया जाता है। यहाँ पर भी आपकी वैकेंसीज है दोस्तों आने वाली है, इतने दिनों में आ भी जाती है, लेकिन कोविड के चलते आपकी भर्ती को यहाँ पर पोस्टपोन कर दिया गया। फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये वैकेंसी आपके दिसंबर तक जरूर आएगी। 115वीं इन्फेंट्री बटालियन बिहार है, जिसकी यहाँ पर टोटल वैकेंसी 64 है और भर्ती आपकी होगी बेलगांव, कर्नाटका में। वही नेक्स्ट है दोस्तों आपकी 123वीं इन्फेंट्री बटालियन है ग्रेनेडियर, जिसमें टोटल सोल्जर जीडी की वैकेंसी होगी 16 और ये आपकी भर्ती भी बेलगांव, कर्नाटक में होने वाली है। वही नेक्स्ट बात करें तो 122वीं इन्फेंट्री बटालियन है मद्रास रेजिमेंट, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपके 72 है, भर्ती आप जो होगी वो आपके कन्नूर, केरला में होने वाली है। वही नेक्स्ट है दोस्तों 123वीं इन्फेंट्री ग्रेनेडियर की, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी सोल्जर जीडी की यहाँ पर रखी गई है, भर्ती होगी आपके कन्नूर, केरला में। वही यहाँ पर 125वीं इन्फेंट्री बटालियन जो गार्ड्स है उनमें भी यहाँ पर भर्ती आई है, जिसमें टोटल वैकेंसी 75 है, यहाँ पर सोल्जर जीडी की वैकेंसी आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलने वाली है, भर्ती होगी आपकी मोहाली, हैदराबाद में। वही नेक्स्ट भर्ती है दोस्तों आपकी 109वीं इन्फेंट्री बटालियन टीए की है, जो मराठा रेजिमेंट में होने वाली है, जिसमें टोटल वैकेंसी आपके 99 है और ये भर्ती होगी आपके कोल्हापुर में। दोस्तों कोल्हापुर में और भी कई भर्ती हैं, जैसा कि आपकी ग्रेनेडियर की भर्ती है ये भी आपके कोल्हापुर में होने वाली है, उसके साथ ही यहाँ पर गार्ड्स की भर्ती है ये आपके मोहाली आपके हैदराबाद में होगी, जिसमें टोटल अगर वैकेंसी बात करें तो एक जोन में कम से कम आपको 1000 से लेकर 1500 के लगभग टीए सोल्जर जीडी की वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी।
जाएगी। दोस्तों यहाँ पर खास बात उन अभ्यर्थियों के लिए जो इंडियन आर्मी से और एज हो चुके और जो टीए आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं जिनकी एज 18 से लेकर 42 वर्ष है, तो उन युवाओं के लिए यहाँ पर बड़ा मौका मिल जाता है। क्योंकि दोस्तों कुछ युवा ऐसे होते हैं जो लगातार सेना भर्ती की तैयारी करते रहते हैं लेकिन वो इंडियन आर्मी से और एज हो जाते हैं, फिर भी उनका सपना होता है कि मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करूँ, तो उनके लिए यहाँ पर टीए आर्मी के लिए स्पेशली मौका मिल जाता है। तो दोस्तों ये थी मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में जानकारी अपने दोस्तों के पास में भी आप जरूर शेयर करें। और टीए आर्मी के रिलेटेड हर प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल पर नए हो तो चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।